आज माफी के साथ सभी को मैं बता दूं कि आपको बीच में टोक दूंगी, आपको बीच में टोक रही हूं सर, एक सेकंड, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक सेकंड, आपको बीच में किसी भी गेस्ट की आवाज थोड़ी नीचे कर दीजिए जैसे ही बड़ी खबर आती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एसआईटी ने जांच सही से नहीं की है, ये अपने पक्ष रखा है इस वक्त अटॉर्नी जनरल ने, सरकार का पक्ष रखते हुए, माफ कीजिएगा, सीबीआई का पक्ष रखते हुए वो कह रहे हैं कि एसआईटी ने जांच सही से नहीं की है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तथ्य रखे जा रहे हैं दलील के तौर पर, उसमें ये प्रमाणित करना होगा कि अगर एसआईटी ने जांच सही से नहीं की है तो क्या प्रमाण है, क्योंकि बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें सबूत लाके दिखाइए, अगर सबूत ये बताएंगे कि हाँ जो जांच हो रही थी उसमें हेरा फेरी की गई है तब हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। टीएमसी से जुड़े लोगों की बात की जा रही है, एसआईटी ने सही से जांच नहीं की है, ये अपना पक्ष इस वक्त अटॉर्नी जनरल देश की सर्वोच्च अदालत में 3 जजेस की बेंच के सामने रख रहे हैं, जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई है। सीबीआई के सबूतों से छेड़छाड़ की गई है ये बातें कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जो सबूत है वो भी बंद लिफाफे में सामने रखे जा रहे हैं। टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच सही नहीं हुई है, टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच सही नहीं हुई है, यानी सत्ताधारी पक्ष का समर्थन कर रही थी वहीं पर गठित एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसको हेड कर रहे थे कमिश्नर राजीव कुमार। तो ये अभी भी जो जानकारी हम तक आ रही है वो आरोपों के जरिए आ रही है, सबूत क्या है ये महत्वपूर्ण होगा। सीबीआई के सबूतों से छेड़छाड़ की गई तो छेड़छाड़ का भी सबूत देना पड़ेगा आपको, यही सबूत तो आज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। घोटाले में एसआईटी के सबूत आधे अधूरे हैं, ये कैसे आधे अधूरे हैं ये भी प्रमाणित करना पड़ेगा आज सीबीआई को कोर्ट में, तभी उनकी बात सुनी जाएगी। तो दलीलें दोनों ही तरफ से दी जा रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये कोई मामूली सुनवाई नहीं है, सीबीआई और सीबीआई का तोते जैसा इस्तेमाल, ये शब्द इसी सुप्रीम कोर्ट से निकले थे, हालांकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, लेकिन केज्ड पैरट यानी पिंजड़े में बंद तोते की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो सरकार कहती है वही तोता बोलता है, ये इस देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपीए की सरकार के वक्त कहा था। क्या वही बदस्तूर जारी है, क्या वही चुनावों के पहले आर्म ट्विस्टिंग जो अंग्रेजी में शब्द है, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल होता है, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज तय किए जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या सीबीआई के सबूतों में दम है या फिर नहीं। और तभी ये जो सीधी तस्वीर आप ममता बनर्जी की देख रहे हैं कोलकाता के मेट्रो लाइन से, जहां वो धरने पर बैठी हैं, उसकी नींव भी हिल पाती है या फिर नहीं ये देखना होगा। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम चर्चा को आगे लिए चलते हैं। अपनी बात रोहन जी जल्दी से पूरी कीजिए, क्योंकि सर आपका तो बड़ा समझना मुश्किल है, कब कोई ऑफिसर आपको कभी भ्रष्ट लगता है, फिर वो अच्छा लगने लगता है, फिर वो अचानक भ्रष्ट हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगी, इससे पहले वाले ही सीबीआई के डायरेक्टर थे, अब नागेश्वर राव भी आपको बहुत करप्ट लग रहे हैं। अब इधर आपने ममता बनर्जी पर पहले तक टिप्पणी की थी चुनावों तक 2016 तक कि शारदा स्कैम में उन्होंने अपने नेताओं को फायदा पहुंचाया, अब आप उन्हीं को डिफेंड करने के लिए उतर रहे हैं। बिल्कुल, लालू यादव जी को भी, हम लोग जो व्यवस्था है उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, मैंने बताया लालू यादव भी ममता जी वहां पे एज ए सीएम बैठी हुई है, नॉट एज ए टीएमसी लीडर। और दूसरी चीज, मैं कब से ये चीज बोल रहा हूँ कि जो सीबीआई की स्वायत्तता की हम बात कर रहे हैं, राफेल घोटाले को छुपाने के लिए जिस प्रकार के बीजेपी सरकार ने सीबीआई की स्वायत्तता को तार-तार किया, पूरे देश ने देखा। नागेश्वर राव का जो इंतरिम डायरेक्टर का ऑर्डर था उसको सीबीआई ने खारिज किया, फिर भी उसके आखिरी दिन इस प्रकार का एक्शन लेना, मुझे लगता है कहीं पे भी सीबीआई की स्वायत्तता बची हुई है वो उस चीज को देश की जनता नहीं मानेगी। और आखिरी चीज, हम जिस बात की बात कर रहे हैं, अगर सीबीआई के पास सही में पुख्ता सबूत होते, कब कहा था? तो इस प्रकार की कार्यवाही करने से पहले प्रॉपर परमिशन लेके कार्यवाही करती। रोहन जी, आपकी ये नैतिकता का भाषण बड़ा सुंदर लगता सर, अगर आपके वक्त पर नहीं कहा होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आप ही के वक्त पर पिंजरे वाला तोता कहा था ना, एसआईटी ने सही से जांच नहीं की है, अटॉर्नी जनरल जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो तमाम बातें जैसे ही नई जानकारी आती है हम आपको बताएंगे। आप लूथरा सा बार बार हाथ उठा रहे हैं, किसे पूछना है आपको, क्या पूछना है? तो हम लोगों का आज ये विषय है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इंटरफेयर कर रही है, किस प्रावधान में कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए, और उसके बाद आशुतोष जी भी। बीजेपी की मानसिकता दिखा रहा है कि उन्होंने जिस प्रकार की जांच में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री क्यों हो रही है, इसकी जनता उसको देख, एक सेकंड, जांच में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में जांच में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री क्यों हो रही है ये बता दीजिए।
या और ये सही है, राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं है वहां पे, आप कहीं सिंबल है क्या तृणमूल कांग्रेस का? एक सीएम अपने जो संविधानिक अधिकार है स्टेट की उसकी रक्षण कर रही है, कहां पे आप बताइए मुझे तृणमूल कांग्रेस का कोई सिंबल कुमार अपने संबंध के लिए कभी कोर्ट नहीं गए? और मैं ये बड़ी लड़ाई है अंजना जी, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये पक्ष के सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी स्टॉल्ड। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? तथ्य को सामने लाना, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी वो ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर तथ्य ही इकट्ठे नहीं होने दे रहे हैं, ये प्रावधान नहीं है, ये प्रोविजन। एक बार भी उन समन्स के खिलाफ कोर्ट के में खुद राजीव कुमार क्यों नहीं गए? देखिए पहली बात तो जो दरबार में बैठे हुए हैं सर, पहली बात तो जो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट नहीं गया, आप तथ्य को ही इग्नोर कर रहे हैं। राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम सुन लीजिए बड़ी बात, कब गए सुप्रीम कोर्ट? गए नहीं गए सर? अब अगर आप तथ्य नहीं मानेंगे तो बात अलग होगी। मैं कह रहा हूं माथा काम करने वाले चार अधिकारी, आप तो मुझे डिस्प्रूव करिए, या तो मुझे डिस्प्रूव करिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये लीजिए मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा रही हूं जिस हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो पूरा ऑर्डर यहां पर है। मैं दूसरी बात मैंने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट गए, सुन लीजिए बड़ी बात, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने समनिंग ऑर्डर को, जो समनिंग ऑर्डर्स था उसको, राजीव कुमार से पूछताछ में क्या दिक्कत है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त पूछ रहे हैं, राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इस वक्त पूछा है, वही सवाल जो लगातार हम लोग पूछ रहे हैं, वही सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पूछताछ में दिक्कत क्या है राजीव कुमार को, पूछताछ को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, आखिर उससे बचने की कोशिश कमिश्नर राजीव? ये तमाम बातें अपनी धरी की धरी रह जाएंगी अगर उनके साथ कोई अन्याय हो गया हो। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप पूछ रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के बाद सर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, एक सेकंड सर, देखिए आपने तथ्यों की बात की, मैं तो कागज के साथ बैठी हूं, वही हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें मिसेस चंद्रे आलम जो फॉर द पिटिशनर, किशोर दत्ता आईडी बिल्कुल एजी, और ये मैं आपको तीनों के नाम यहां पर देती हूं फॉर द स्टेट। ये पेपर्स अभी आगे करते हैं, जरा इनको पेपर्स बढ़ाइएगा पीछे से, पीछे से पेपर्स दीजिए, पेपर्स दीजिए, पेपर्स देखिए और इसमें सबके नाम देखिए। अब सवाल है, ये कल से मैं पेपर्स दिखा रही हूँ, सवाल ये है कि उसके बाद एक सेकंड आपस में नहीं, राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का ये पूछना मायने रखता है, रंजन गोगोई का ये पूछना मायने रखता है। प्रभात झा जी है क्या हमारे साथ? मैं एक और विषय कहना चाहता हूँ, गवाह से भी पूछताछ की जा सकती है और एक्यूज से भी, अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ कि एक्यूज है या गवाह है। पूछताछ करनी है, गवाह भी एक्यूज बन जाते हैं और एक्यूज गवाह बन जाते हैं, ये तो पूछताछ का मसला है ना इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए कानून ये है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बाधा नहीं डाली जा सकती। रोहन गुप्ता जी और ये देखिए जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी बहुत शुरुआती जानकारी है, ज्यादा कहना इस वक्त सही नहीं होगा क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत में बहुत अहम सुनवाई है, बहुत सोच समझ कर इस वक्त हम सभी को टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल अंजना जी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही सवाल है और किसी भी अधिकारी को पूछताछ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक संविधानिक अधिकार की तौर पे पूछताछ होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग पूरी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, अगर सीबीआई को लगता है, सीबीआई को जो ऑर्डर हो बीजेपी हेडक्वार्टर से नहीं मिल सकता है, सीबीआई को संविधानिक अधिकारों में रहकर अपनी कार्यवाही करनी होगी, अगर जनरल कंसेंट होती तो सीबीआई एक्शन ले सकती थी। अगर सेक्शन 17 के तहत मिस्टर लूथरा का एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर मैजिस्ट्रेट की परमिशन ली होती कर सकते, अगर दिस इज नॉट द करप्शन केस, दिस इज अ चीटिंग केस, तो ये करते हमको कोई आपत्ति नहीं थी, पर ये नहीं हो सकता कि का केस नहीं है ये, कि हम अधिकारी को प्रूव करना है, रात को सात बजे हम लोग 40 अधिकारी के साथ उनके घर पे चले जाए, ये नहीं होगा। आप करिए संविधानिक अधिकारों में रहकर अपनी प्रक्रिया कीजिए, जब लोकल पुलिस से सहायता मांगे वो नहीं दे, अधिकारी एक साथ जाए तो क्या किया जाए? जो राफेल घोटाले छुपाने के लिए, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर गलत है तो उससे हाथापाई करेंगे, ये किस अधिकार में है? रणवीर पासन जी है क्या हमारे साथ? सुप्रीम कोर्ट ने नकारा, एक ऐसी सीबीआई जिसके सीवीसी के रिपोर्ट के तौर, वो तो ठीक है लेकिन राजीव कुमार का नाम नहीं इसीलिए मैं पेपर लेके आई थी ना पर में नाम नहीं है उनका, वो प्रोसीजर कीजिए पर अपने संविधानिक अधिकारों के तहत, उनके माथा जो अधिकारी है वो कोर्ट गए थे, वो नहीं गए हैं सर, वो नहीं गए, नाम नहीं है ना, इसीलिए तो मैंने पेपर दे दिया सर, आप दिखा दीजिए मुझे नाम, मैं तथ्यों के साथ बात कर रही हूँ, जोर से बोलने से सच थोड़ी हो जाएगा सर, मैं तथ्यों के, मैंने सारे पेपर इसीलिए इकट्ठा किया, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आई आपके सामने, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, राजीव कुमार का नाम नहीं है, राजीव कुमार का नाम ने कहा है, दिस इज एप्लीकेबल टू राजीव कुमार, राजीव कुमार का नाम कहा है?
अगर है नाम तो बताइए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो टू बी एग्जामिन हाउ अ समन्स कैन बी स्टेड अंडर व्हाट प्रोविजंस। Let Mr. Sir, you challenge in the court. You challenge that, in the court. That is what. No, you challenge in the court. That's a matter of legality. That is what the legality today is. Navneet Vasan ji hai kya hamare saath? Navneet Vasan ji hai kya hamare saath? You are questioning the court. Aapas mein mat lijiye. Aapas mein mat lijiye. Aur Hindi mein baat kijiye. Aaj tak hai. With 40 officers without any kind of permission. This is not something that CBI can decide on their own. They have to follow the structure of the state. They have to follow the rules and regulations. Chief Justice of India कह रहे हैं राजीव कुमार को पूछताछ में आखिर क्या दिक्कत है? वही कमिश्नर राजीव कुमार जिनको बचाने के लिए इस वक्त बिना नोटिस अवमानना केस पर फैसला नहीं, देखना पड़ेगा मामले में सबूत क्या है, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। लेकिन शुरुआती सवाल वही है जो सड़क पर खड़ा आदमी भी पूछ रहा है कि आखिर उन्हें जांच से दिक्कत क्या है। एक सिंपल सवाल है, जो इन्वेस्टिगेशन का पहला लॉजिक, जो भी कामकाज को इन्वेस्टिगेशन जैसी बेसिक चीज को समझता हो जांच में, कोई भी, चाहे वो सड़क पर खड़ा मामूली आदमी हो आलोक मेहता जी, या वो वरिष्ठतम अधिकारी हो या फिर एक मुखिया हो एक राज्य का, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ एक वक्त पर की गई। नहीं, प्रधानमंत्री से की जाती है। आप कोल घोटाले में आप देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक से भी, और जब जरूरत होती है तो उनसे पूछा जाता है, फाइल पर आपके दस्तखत, मान जैसे आपने कहा हाथ का लिखा हुआ है, मैं फिर से ये बात कहूंगा, कई बार इस तरह के कागज जो फाइलों में होते हैं टाइप तो नकली हो सकता है, हाथ का, मेरे हाथ के हस्ताक्षर तो आप प्रूव करना पड़ता है जा करके, इसलिए कई बार ऐसे एक दस्तावेज हाथ से लिखे जाते हैं। आज भी भारत देश में कई कागज पर दस्तखत और हाथ को ज्यादा डिनाई मानेंगे। मैंने प्रश्न उठाया कि कंप्यूटर पर कैलकाटा पुलिस में करने के स्टाइल में मुझे मालूम है, आप टिकट कलकत्ता निकलवा देते हैं, आपको जब चाहे फर्जी बता रहे हैं, जिन्होंने रिसीव किया वो डिनाई नहीं कर रहे। और हम लोग, आपने बात की उनसे, आपने बात की उनसे? अरे भाई, आप तीन दिन से यही चल रहा है। एक बात, दूसरी बात, अंजना जी, आप कलकत्ता पुलिस का वर्जन चल ही नहीं रहा है, कोई आदमी कलकत्ता पुलिस से बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई पुलिस अफसरों को परेशान कर रही है। ये किसने कहा है हम आपको बता रहे हैं, बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट में ये कहा है कि सीबीआई बंगाल पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको परेशान कर रही है। अब ये परेशान करना क्या होता है ये उनको भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि परेशान करना एक तरफ और दूसरी तरफ पूछताछ जो सीबीआई कह रही है, डीजीपी ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया था ये सीबीआई के जांच में भरोसा देना और जांच को लंबे वक्त तक खींचना, यही तो आरोप है कि आप भरोसा देते रहे, समन देने पर आए नहीं, तो आखिर इसका अर्थ क्या है? पहला सवाल तो यही पूछा गया है ना, बताइए ना। मैं फिर जवाब दे दूं जी, आपको सबका सवाल कलर लग रहा था। रोहन जी, एक सेकंड सर, अगर एक सवाल है ना, देखिए अंजना जी, एक मिनट, दिक्कत क्या है? एक मिनट, सीबीआई अगर गलत भी है तो उनको बैन हैंडल कर सकते हैं, ट्रस्ट तो वो होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से मुझे ट्रीट ना करें, अन्यथा मुझे दिक्कत होगी। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जो बात यह बार बार की जा रही है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, उस तथ्य का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा कि 18 अगस्त 2018 को सीबीआई ने चिट्ठी लिखी डीजीपी को, डीजीपी के ने दो दिन के बाद डीआईजी की तरफ से कहा कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कहां पे मिलना है, सारे सबूतों के साथ हम आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा, समन दिया सर, समन दिया, गए नहीं। आप कैसे समन दे सकते हैं? एक मिनट, किसी को भी समन दे सकते हैं सर जी, कैन आई स्पीक? सेक्शन, अगर आपको बोलना है तो आप बात करें, नहीं तो मैं चला जाता हूं यहां से। एक सेकंड, अब दूसरी बार उन्होंने कहा, डीजीपी ने खुद उसके बाद दोबारा लिखा कि भाई हम सबूतों के साथ आ जाएंगे, हमारे ऑफिसर आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। आप ना तो वो अक्यूज्ड हैं, ना वो विटनेस हैं। सीबीआई और अखबारों में खबर प्लांट की जा रही है कि हम सीबीआई के चीफ कमिश्नर साहब को हम गिरफ्तार करेंगे, तीन दिन पहले सारी खबर प्लांट हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि आपने सीबीआई कह रही कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो बार बार कह रहे हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार। किसने प्लांट की, ममता बनर्जी ने या सीबीआई ने या केंद्र ने? आप पता करो ना किसने प्लांट की खबर, उसके बाद ना? उसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद इन्होंने राजीव कुमार को ज्यादा करता है ना सर, राजीव कुमार सूट तो ममता को ज्यादा करता है। सीजीआई कह रहे हैं कि राजीव कुमार सहयोग करें। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त, फुल ब्रेकिंग दिखाइए इसको, फुल ब्रेकिंग दिखाइए। सीबीआई
की बातों में दम देखते हुए ऐसा इस वक्त प्रतीत हो रहा है कि राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है, वो सहयोग करें पुलिस कमिश्नर पूछताछ में। ये बड़ी खबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम चाहते हैं कमिश्नर सहयोग करें पूछताछ में, ये कहने की नौबत आखिर क्यों आ रही है? क्यों पूछताछ के लिए अगर अधिकारी पहुंचेंगे आप उनको अरेस्ट करवा दीजिएगा? क्या बार बार कह रहे हैं उनके साथ मैन हैंडल करेंगे? तो देखिए सर भाई, वो बार बार चिट्ठी लिख कर कह रहे हैं, वो बार बार डीजीपी वेस्ट बंगाल का बार बार चिट्ठी लिख के कह रहा है कि आप मिलिए तो मुझसे, मैं आपसे सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। उन समन का क्या मतलब है? समन में वो क्यों नहीं जा रहे थे? आप विल यू एक्नॉलेज, आप उस चिट्ठी को एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं करेंगे जो जो वेस्ट बंगाल की पुलिस डीजीपी ने लिखा है? आप एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं करेंगे? बड़ी खबर इस वक्त कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हो, बड़ी खबर इस वक्त की कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हो। ये कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने, तस्वीर साफ है, कोई भी जांच में अपने आप को नियमों से ऊपर नहीं समझ सकता है, कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हो। ये तो अब देश की सर्वोच्च अदालत ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया, हम चाहते हैं कमिश्नर सहयोग करे पूरी जांच में। वही सवाल जो सड़क पर खड़ा व्यक्ति भी पूछ रहा था कि आखिर कमिश्नर राजीव कुमार को दिक्कत क्या है जांच से, वही आज इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है। सीधे चलते हैं संजय शर्मा हमारे सहयोगी से खबर पर। एक सेकंड सर, संजय शर्मा से हमारे सहयोगी चूंकि मौजूद है ग्राउंड जीरो पर इस वक्त। संजय, क्या क्या कहा है चीफ जस्टिस ने, क्या अर्थ निकाले इसका? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि आप दोनों ही पार्टियां बहुत सारे अपने मन से बहुत सारे अर्थ निकालते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जहां कंटेम्प्ट की बात है, कंटेम्प्ट के लिए हम नोटिस जारी करेंगे। और साथ ही ये कहा है कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हों, सीबीआई की जो भी क्वेरी हो, जो भी सवाल हो, उनके जवाब दें, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें ईमानदारी से। और ये भी कहा है कि जो कंटेम्प्ट का मामला है उसमें नोटिस जारी कर जवाब लिया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। क्या ऐसा कुछ कहा गया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर पेश हो सीबीआई के सामने, और इसके साथ कुछ इसका मतलब इसका इसको इसको मतलब कोर्सिव एक्शन की बुआरी है क्या इससे, मतलब भनक मिल रही है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने चीजें साफ की, उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपए का घोटाला जो शारदा स्कैम है, उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके लेन देन का ब्यौरा जिस डायरी में दर्ज था, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। ये वो कंपनियां हैं जो तृणमूल कांग्रेस को चंदा देती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ऐसी कंपनियों को बचाया जा रहा है। राजीव कुमार जिनका इसमें साफ साफ हाथ बताया जाता है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे जाँच से, और ऐसे में सीबीआई को बहुत सारी चीजें उनसे पूछनी है। जब वो पूछताछ के लिए वहां सीबीआई की टीम वहां जाने लगी, उस समय सरकार यानी प्रशासन और कोलकाता पुलिस दोनों ने अनकोऑपरेशन किया, यानी उनके साथ सहयोग करना तो दूर, उल्टे उनकी टीम को हिरासत में लिया, उनको प्रताड़ित किया गया। ये तमाम दलीलें और दस्तावेज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने पेश किए हैं। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने राजीव कुमार का बचाव करते हुए बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा, सीबीआई के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे। अब चलिए इसका क्या फॉलआउट होता है, मेट्रो लाइन कोलकाता हम चलेंगे, तस्वीरें वहां की दिखाएंगे और वहां पर से रिएक्शंस लेंगे। निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जी अब बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च कोर्ट ने यह कहा है कि राजीव कुमार सहयोग नहीं कर रहे थे बतौर पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा और उन्हें जांच में सहयोग करने की हिदायत दी गई है, किस तरह से इसे देखा जाए? सीबीआई को बहुत सोच समझ कर इस वक्त कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए। जब से शुरू हुए तब से ये चीज बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सहयोग करना चाहिए। अरे हम लोग, मैं आपको और मेरी वापस तो धरना का तो मतलब नहीं रहा ना, फिर सवाल उठा रहे हैं। सीबीआई को ये अबाधित अधिकार नहीं मिलता है कि किसी अधिकारी के वहां पे 7 बजे 40 अधिकारी को लेकर पहुंच जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन। हमारी सिर्फ इतनी बात है, आप कीजिए पूछताछ कीजिए, जो भी आपको लगता है सारा एक्शन लीजिए, पर यू डू नॉट हैव अनलिमिटेड राइट्स। अरे लेकिन वहाँ ग्रीफ पार्टी कौन थी ये तो देखिए, राजीव कुमार तो मुस्कुराते हुए निकले, उन अधिकारियों को मैन हैंडल किया गया। आप संजय शर्मा कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ क्या कानून का पालन होगा या लूथरा जी, लूथरा जी आप वकील हैं, जानकारी लूथरा जी आप वकील हैं, क्या कानून का पालन होगा या पालन नहीं होगा? संजय बनाना रिपब्लिक हिंदुस्तान की जब सबकी आवाज नीचे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो उन्हें, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो हो सकता है 19 फरवरी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी और विधान नगर के कमिश्नर इनको पर्सनली कोर्ट में अपियर होने को कह सकता है, यानी ये बड़ी बात है। और जब कोर्ट में अपियर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आमने सामने होंगी, तब ना कोई सीबीआई पर आरोप लगा सकता है, ना सीबीआई उन पर, यानी आमना सामना होने पर कोर्ट सीधी बातचीत करेगा और उनसे पूछेगा कि हाँ कमजोर कड़ी कहाँ थी शारदा चिटफंड स्कैम की जांच में, जो दस्तावेज सीबीआई दावा कर रही है कि एसआईटी ने उनको मुहैया नहीं कराए, तीन तीन बार के नोटिस पर कोई रिपोर्टर की बात पूरी हो जाए।